जीवन के प्रति एक एटीट्यूड रखना, एक निश्चित दृष्टिकोण रखना जीवन को खोना है। दृष्टिकोण मन में उत्पन्न होते हैं और जीवन मन से परे है। दृष्टिकोण हमारी कल्पनाएं, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे आविष्कार हैं। जीवन हमारी बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हम तो केवल जीवन की झील में उठती हुई लहरें हैं। महासागर में एक लहर का महासागर के प्रति क्या दृष्टिकोण हो सकता है? धरती, चंद्रमा, सूरज, तारे के प्रति एक घास की पत्ती का क्या दृष्टिकोण हो सकता है? एटीट्यूड कम्स आउट ऑफ ईगो। सभी दृष्टिकोण हमारे अहंकार की उत्पत्ति है। दृष्टिकोण रखना मूर्खता है। जब तुम जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण रखते हो तो तुम जीवन को ही खो देते हो। जीवन विशाल है, किसी भी दृष्टिकोण द्वारा समाहित नहीं किया जा सकता। इसे किसी निश्चित परिभाषा में डालना असंभव है। हाँ, तुम्हारे दृष्टिकोण एक निश्चित पहलू को कवर कर सकते हैं, लेकिन वह केवल एक पहलू होगा और मन की प्रवृत्ति अपने पहलू को पूरे के रूप में घोषित करने की होती है। और जिस क्षण पहलू को पूरे के रूप में दावा किया जाता है तो तुम जीवन के साथ वास्तविक संबंध को खो देते हो। फिर तुम अपने एटीट्यूड से घिरे एक प्रकार के कोकून में फंस जाते हो और वही तुम्हारे दुख का कारण भी बनता है। जीवन के प्रति कोई भी दृष्टिकोण रखना खतरनाक है। क्यों ना हम जीवन को उसके नृत्य, उसका गान बिना किसी अपेक्षा के करने दें? हम बिना अपेक्षाओं के क्यों नहीं जी सकते? हम उसे जो है उसकी शुद्धता में क्यों नहीं देख सकते? जीवन को उसके संपूर्ण रूप में स्वीकार करो बिना किसी पूर्वाग्रह के, तभी तुम जीवन को उसके सच्चे स्वरूप में अनुभव करोगे बिना किसी दृष्टिकोण के बाधा बने। यही सच्ची आज़ादी है, यही जीवन के प्रति सच्चा प्रेम है। प्रणाम।